कटंगा क्षेत्र में फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान बरती जा रही सुरक्षा संबंधी लापरवाही हादसों का कारण बन रही है। शुक्रवार की शाम तेज हवा चलने से टीन का शेड राहगीरों पर गिर पड़ा। इस घटना में एक महिला घायल हुई थी। इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। इस हादसे को कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने भी गंभीरता से लिया है और संबंधित विभाग को समुचित सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। कटंगा क्षेत्र में बनाए जा रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं, लिहाजा यहां हादसे हो रहे हैं। शुक्रवार की शाम जब तेज आंधी चली तो यहां लगाया गया टीन शेड अचानक ही बुजुर्ग महिला और अन्य राहगीरों पर आ गिरा, जिससे महिला घायल हो गई थी। इस घटना के सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं। मैं मेडिसिन के लिए जा रही थी, यहाँ से निकली तो थोड़ी हवा आंधी चल रही थी, तो थोड़ी ये पूरी शीट्स जो है एकदम हवा से मेरे ऊपर गिरी, तो गाड़ी दबके किनारे होते होते भी उसके चपेट में आ गई मैं, तो मैं तो थोड़ा सा बच के निकल आई पर गाड़ी पूरी डैमेज हुई। कितने बजे की बात है ये? अभी आधा पौन घंटे पहले की बात है। आप कहाँ से आ रही है, क्या नाम है? मैं इंद्रपुरी कॉलोनी से आ रही हूँ और गोरखपुर मार्केट तक जा रही थी अचानक, बल्कि मैं जैसे इस तरफ फ्लाईओवर से एंटर हुई तो लगा मन में कि ये रास्ता सेफ नहीं है, अब तो यहाँ से नहीं आना चाहिए, पर थोड़ा सा आगे बढ़ी हूँ और हवा के साथ एकदम ऐसे पूरी शीट्स मेरे ऊपर आ गई। मैंने इसको पढ़ा था और मैंने संबंधित अधिकारियों को कहा है कि भाई इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए, आपको सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम रखना चाहिए। तो एक छोटा सा भी पार्ट यदि कोई गिरता है, वो खुशकिस्मत थी महिला की, कुछ खास उनको चोट नहीं आई, नहीं तो बड़ी घटना भी हो सकती थी। कोई छोटी चीज़ भी गिर जाती यदि गलत जगह पर लग गई तो आपको दिक्कत हो सकती, इसलिए हमारी सिक्योरिटी जो है फुल प्रूफ होना चाहिए किसी भी स्थिति में। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हवा तेज़ चल गई तो गिर गया या ऐसा कुछ हो गया, वैसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने जो कार एजेंसीज हैं उनको निर्देश दिए हैं कि बड़ा इसके बारे में पूरा चौकन्ना रहें और जो सुरक्षा के ऑन साइड और ऑफ साइड के जो उनके प्लान हैं उन प्लान का 100% पालन सुनिश्चित करें। और कंसर्निंग एजेंसी को ये भी कहा है कि यदि वेंडर ठेकेदार जो है वो इस तरह का पालन नहीं कर रहे हैं तो जो भी पेनल्टी इम्पोज करने की कार्रवाइयाँ हैं वो की जाएँ उनके अगेंस्ट। इस हादसे में कुछ और राहगीर भी घायल हुए हैं, सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। शुक्रवार को हुए हादसे के पहले फ्लाईओवर ब्रिज से एक लोहे का गार्डर विद्युत विभाग के अफसर की गाड़ी पर गिरा था, लेकिन इस घटना के बाद भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए।